ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। आपके पास बेटा ये फिगर दे रखी है, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। ठीक है, तो आपको बेटा ये एफ पॉइंट यहाँ पे गिवन है। हमने ई को एफ से ज्वाइन किया और डी को किससे करा, सी से। सो दैट यानी कि आपको नजर आ रही है कि ये लाइन इस लाइन के क्या बेटा, इसके अंदर पैरेलल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको कंडीशन गिवन क्या है बेटा, डी पैरेलल टू बी सी एंड सी डी पैरेलल टू क्या है, ई एफ। ये ऑलरेडी आपके पास गिवन है। आपको क्या प्रूव करना है कि ए डी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी इंटू में ए एफ। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। आपको पता है कि डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी बेटा, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। तो ध्यान रखना, अभी जो मैंने बताया था बेटा, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई बटे ई सी, ये भी प्रॉपर्टी होती है। और नहीं तो आप इनके इक्वलेंट यानी कि जो साइड का रेशियो आपस में इक्वल कर सकते हो, दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, या इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो कि आपने बड़ी साइड बेटा इधर की ली, फिर छोट बटे में क्या ले ली, छोटी साइड। इसी तरीके से बड़ी साइड बेटा यहाँ से ली और छोटी साइड क्या ले ली हमने, यहाँ पे यहाँ ले ली। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आप ट्रायंगल ए डी और सी की बात कर रहे हो बेटा, ये ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर आपके पास ये पता है, ये इसके पैरेलल है बेटा। तो इसके अंदर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे कि बड़ी साइड तो होगी ए डी और अपॉन कितना हो गया हमारे पास, ए एफ इनकी। इसी तरीके से बेटा हमारे पास ये ए सी लाइन हो गई और बटे में क्या हो जाएगा, ए ई। तो आपके पास इस तरीके से सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब फिर दोबारा से हम बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें तो राइट वाली वैल्यू राइट के इक्वल है, तो 100% पहली वाली वैल्यू पहले के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए डी अपॉन कितना हो गया हमारे पास, ए एफ। यानी कि आफ्टर दैट यानी कि जब मैं आपस में दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा ए डी इंटू ए डी, दैट मीन ए डी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी इंटू में ए एफ। यानी कि क्लियर बेटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7। आपके पास बेटा ये फिगर गिवन है ए बी सी और डी क्या है इसके बेटा, ए बी के पैरेलल है। तो इसमें ऑलरेडी आपको गिवन है कि ए डी बटे डी सी इक्वल टू बी बटे ई सी। ए डी बटे में बेटा क्या था हमारे पास, डी सी, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, पहले से ऑलरेडी मालूम है। और आपको ये भी पता है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल किसके बराबर है बेटा, सी ई डी के, यानी कि सी डी का मतलब है ना कि ये। तो इसका मतलब है ये एंगल इस एंगल के इक्वल भी दे रखा है। आपको शो क्या करना है कि ये जो पूरे बड़े वाला ट्रायंगल है सी ए बी, उसको हमको करना है आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रूव करना है।